अब इस भरी गर्मी के अंदर अगर आपको कोई एकदम से शिमला पहुंचा दे, यानी कि हिल स्टेशन पर, तो कैसा हो? लेकिन ऐसा होता है, ये चमत्कार होता है, और आज ये चमत्कार राठौड़ बाबा की तरफ से हुआ है। 92.7 बिग एफएम से अजय स्वागत करता है आपका। और 16 दिन जो होली के दूसरे दिन से गणगौर की पूजा होती है, 16 दिन जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरे राजस्थान में, मुझे लगता है राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में, राठौड़ बाबा की सवारी सिर्फ अजमेर में निकाली जाती है, बैंड बाजों के साथ और बड़े शाही लवाजमे के साथ। तो आज उसके लिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम के साथ। मेरे साथ हैं MTTV इंडिया। तो चलिए आज राठौड़ बाबा के दर्शन करते हैं खूबसूरत से। स्वागत स्वागत आपका। और राठौड़ बाबा की एक शान की सवारी नया बाजार से निकल रही है। ये सबसे पहला बैंड है और खास तौर पर आप क्या पाएंगे यहाँ पर, ये बैंड जो है वो बहुत क्लासिकल ट्यून्स चलाते हैं, तो मजा आने वाला है, साथ चलते हैं। सोसाइटी है और करीबन 6 मोहल्लों से निकाली जाती है, 6 मोहल्लों की सवारी होती है।
तो यहाँ पर आप श्रृंगार देख सकते हैं राठौर बाबा का, और वो कितना खूबसूरत है। एक बार जय एक बार मैं प्रणाम कर लेता हूँ, मेरा ले लो आशीर्वाद मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झांकी के सामने हैं राठौर बाबा की, और मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त जो हैं वो इस झांकी के बारे में आपको बताएंगे। सर, व्यास वैली की झांकी है। व्यास वैली की झांकी है, तो कितने बरस हो गई है? मेरे को आज 35 साल हो गए। आपको 35 साल हो गए और इनको 40 साल हो गए। 40 साल। तो व्यास गली की जो सवारी है वो व्यास गली नया बाजार अजमेर की ये सवारी है जिसे आप पहले देख पा रहे हैं। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरे पुराने नारायण को मूल नहीं पता है। बहुत बहुत बधाई है सर। राठौर बाबा की सवारी के सबसे पीछे ये सवारी होती है हर साल। जटाधारी बाबा, जटाधारी बाबा, बोल जटाधारी बाबा की जय, बोल जटाधारी बाबा की जय। ये जटाधारी बाबा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिव पार्वती का ही रूप होते हैं। राठौर बाबा की सवारी में सबसे आखिर में ये चलते हैं और फिर वो लीड करते हुए लेकर आते हैं सबको। जटाधारी बाबा की सवारी जो है वो कौन से मोहल्ले द्वारा निकाली जाती है? सराफा बोल की मंडी से। की मंडी से निकाली जाती है। राकेश महादेव मंदिर समिति। ओके, जटाधारी बाबा की जय। तो राठौर बाबा की जो सवारी है वो 10 मई को निकलती है। इसके अलावा घसेटी बाबा की जो सवारी है वो 12 को निकलती है। तो आज घसेटी धड़ा जो है वो फरीकेन का स्वागत कर रहा है, यानी राठौर बाबा का, और जब बारिश आएगी तो ये लोग स्वागत करेंगे। एक बहुत अनूठी परंपरा है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो आज स्वागत की तैयारियां हैं। ये अग्रवाल पंचायत कचहरी दड़ा की तरफ से आज ये होली दड़ा की तरफ से जो रंगोली है गणगौर की सवारी निकली है, इसमें ये हमेशा स्वागत करते हैं। और परसों होली दड़ा की तरफ से कचहरी दड़ा की तरफ से जो सवारी निकाली जाएगी उसमें होली दड़ा की तरफ से स्वागत किया जाएगा। और ये परंपरा हमेशा बनी रही है और ये जारी है, और अच्छी बात है हिंदू संस्कृति के लिए कि आपस में एक दूसरे के चलते हम स्वागत करें। सारे लोग हैं वो कसेटी दड़ा की तरफ से हैं और आज पूरी जो शाही सवारी है इसका स्वागत करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो राठौड़ बाबा की सवारी के दर्शन हमने कराए आपको। आज बारिश भी हुई है और ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि सवारी निकल रही है और बारिश हुई है, लेकिन सब कुछ शुभ है, सब कुछ अच्छा है। और MTTV के साथ अजय 92.7 बिग एफएम से अब अगले साल मिलेगा आपको इसी शाही सवारी के साथ। सब कुछ शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, और देखते रहिएगा हमें और मिलते रहिएगा। बाय बाय।